नेक्स्ट शुरू करते हैं अपना वीडियो नंबर 4 जेनेटिक्स का है ये। अब इस वीडियो के अंदर हमने पूरी की पूरी जेनेटिक्स कोशिश की है कि पूरी पूरी जेनेटिक्स खत्म हो जाए। एक दो टॉपिक कोई बाकी हैं फर्स्ट चैप्टर के, और एक हैं एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ये हम अगले वीडियो के अंदर पैथोलॉजी के साथ में 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारे कंप्लीट करके पैथोलॉजी और जेनेटिक्स कंप्लीट कर देंगे। और दूसरा जो वीडियो फार्माकोलॉजी का, ये कल सुबह 8 बजे हम अपलोड करेंगे, जो कि 10 बजे तक मेरे हिसाब से पब्लिश पूरा हो जाएगा। तो 10 बजे से 11 बजे तक का 1 घंटे का वीडियो होगा, जिसमें पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट फार्मा के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाएंगे। तो और रही बात इनके अंदर से बाहर क्वेश्चन की, तो इनसे आप 90% मानिए सारे के सारे जो बताए हैं, जो पढ़ाए हैं, क्वेश्चन जो दिए हैं वो आ जाएंगे, बाहर एक भी नहीं जाएगा। क्योंकि आपसे ज़्यादा हमें भी चिंता रहती है कि भाई हमारा हम जो बताते हैं, अगर वो कोई स्टूडेंट फॉलो करता है तो उसका जो ध्यान रखना वो अपनी पूरी जिम्मेदारी होती है। तो हम भी नहीं चाहते कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आए, कि हमें पता है आप हम पर अगर पूरा बिलीव करते हो तो हम भी उससे ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं डाउन सिंड्रोम से लेकर के। अगर कोई विजुअल प्रॉब्लम हो तो आप ज़रा उसको थोड़ा कीजिएगा सही, क्योंकि हमारे पास ना तो इतनी नया सेटअप है, उस नए सेटअप के अंदर इतना सही व्यवस्था ढंग से है नहीं, तो आप भी मैनेज करें। दूसरा जो भी चैनल पर नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब करें। बार बार मैसेज कर रहे हैं कि वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो आ रहे हैं, आप सब्सक्राइब करो, लाइन बाय लाइन आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। और जितने भी ग्रुप है कॉलेजेस को उनके अंदर शेयर कर दीजिए। चलिए डाउन सिंड्रोम क्या हो रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आएगा कि दिस इज अकर ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ 21, यानी जब अपना 21वां नंबर क्रोमोसोम होता है और 21वां नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी मतलब बोले तो 3, उसके अंदर कितना हो जाएंगे, 3 क्रोमोसोम, ट्राइसोमी 3 बार वो आ जाएगा, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाई द लैंगडन डाउन, सबसे पहले ये किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था, लैंगडन डाउन के द्वारा 1866। दीज इंडिविजुअल्स हैज 47 क्रोमोसोम। देखिए एक क्रोमोसोम क्या हो रहा है, 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो रही है, ठीक है। अब इसमें क्रोमोसोम हो गए 47, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम फाउंड 21, और जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया है वो कहाँ पर आया है, किस पर आया, 21 नंबर क्रोमोसोम पर आया। अब अगर ऐसी घटना किसी के साथ में घटित हो जाती है, उसके क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है 21 क्रोमोसोम पे, तो क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन, आदमी का मेंटल रिटार्डेशन, आदमी। अब इसमें देखिए पूरा आपको ट्राइसोमी के याद नहीं करने हैं, बस जरा सा, इतने सारे मैंने लिखे हैं, आपको सिर्फ 4-5 देखने हैं, जो भी आपको याद रहे वो देख लेना, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन मतलब मानसिक रूप से पागलपन थोड़ा बहुत, लो आईक्यू लेवल, हाइपोटोनिक मसल, ठीक है, लो सेट, मालफॉर्म्ड आईयर्स, ईयर्स उनके क्या हो गए, लो सेट, और सही ढंग से बढ़ेंगे नहीं, सही ढंग से नहीं रहेंगे, ठीक है, फोल्डिंग होने लग जाएगी, लिटिल फिंगर, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, वाइड ओपन माउथ, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। अब इसको आप पता कैसे करोगे, आप एक कैरोटाइपिंग करोगे, क्या करेंगे, कैरोटाइपिंग के थ्रू हम इसमें पता करेंगे। 101 क्वेश्चन ये डाउन सिंड्रोम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जरा आप इतना सा पढ़ना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक पेज का मैनेजमेंट किया। अभी इसमें आप अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम और ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्ट, जो भी आपको परेशानी लग रही है उसके ट्रीटमेंट हम करेंगे, और अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम जो भी हमें कोई लगेंगे, अभी पहले अगर हमें पता चल गया कि डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है तो हम जो भी जीन थेरेपी वगैरह कुछ चेंजेस करना वो हम कर देंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन एंड ड्रग केमिकल ऑन द प्रेगनेंसी। अगर कोई मदर प्रेगनेंसी के अंदर कुछ ड्रग ले रही है या फिर रेडिएशन थेरेपी चल रही है, तो क्या उस पर कुछ इफेक्ट दिखेगा क्या, तो हम कहते हैं कि अगर कोई ड्रग, अगर कोई मदर है प्रेगनेंसी के अंदर जिस पर अगर रेडिएशन प्रोसेस चल रही है, तो हाँ उसके ऊपर क्या दिखेगा, इफेक्ट दिखेगा। और इफेक्ट तो देखो, हालांकि तो बच्चे के ऊपर तो इफेक्ट नहीं दिखेगा, मदर के ऊपर इफेक्ट जरूर दिखेगा, ठीक है। बच्चे के अंदर क्या अगर इफेक्ट दिखेगा, भी दिखेगा, अगर मान लो उसके बार बार सीटी स्कैन हो रहे हैं, एक्सरे हो रहे हैं, बार बार रेडिएशन शरीर के अंदर जा रही है, अल्ट्रा रेज जा रही है, तो उसके अंदर क्या होगा, बच्चे के अंदर माल फॉर्मेशन हो सकता है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, इंपेयर्ड ब्रेन फंक्शन हो सकता है, या उसको कैंसर होने का खतरा रहता है, ठीक है। ऑल द रेडिएशन विल नॉट अफेक्ट द एम्ब्रियो बट अफेक्ट द मदर्स, बट सम मे बी कोज अ ग्रोथ रिटार्डेशन, माल फॉर्मेशन, इंपेयर्ड ब्रेन फंक्शन और कैंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या अगर हम प्रेगनेंसी के अंदर ड्रग और केमिकल दे रहे हैं उसके क्या इफेक्ट दिखेंगे, तो अगर कोई मदर, देख प्रेगनेंसी के अंदर अगर आप ड्रग दे रहे हो तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। अगर आप प्रेगनेंसी के अंदर हर कोई ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, पैरासिटामोल, हिपेरिन, ये वगैरह कुछ ड्रग है जो कि सेफ ड्रग के अंदर आती है, ऐसे 8 ड्रग है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई मदर एल्कोहल और टबेको ले रही है, अगर कोई माता जी अगर एल्कोहल पी रही हैं और तंबाकू का सेवन कर रही है, तो उसके अंदर जो बच्चा होगा वो बच्चा क्या होगा, प्री मेच्योर लेबर मतलब कि बच्चा पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होगा, उससे पहले डिलीवरी हो जाएगी, या मिस कैरियज। देखो ये मिस कैरियज वर्ड है ना, ये तो आप कॉपी के ऊपर वाला जो पाकिस्तान वाला इलाका, अपने कॉपी के ऊपर जो इलाका होता है पाकिस्तान का, उसके ऊपर आप लिख लेना, मिस कैरियज का मतलब होता है गर्भपात,
यानी अबॉर्शन हो जाएगा। एंड स्टिल ब्रीथ का मतलब लिख लेना, आगे हजार बार शब्द आएंगे, स्टिल ब्रीथ का मतलब लिख लेना मृत होना, मतलब बच्चा जब जन्म लेगा तो बच्चा मरा हुआ ही पैदा होगा। स्टिल ब्रीथ मतलब बच्चा मरा हुआ पैदा होगा, और के मिस कैरियज मतलब बच्चे में क्या हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक, अगर किसी की मदर लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक ले रही है, लंबे समय तक एंटीबायोटिक ले रहा है, तो वो क्या होगा कि बच्चा क्या होगा, वो बच्चा जो डेवलप हो रहा है वो डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा अंदर से। अगर कोई माता एक्लोटेनिक ले रही है, एक्लोटेनिक क्या है भाई, एक्लोटेनिक है एनाल्जेसिस, पेन वाली, तो बच्चे के अंदर क्या होगा, सीवियर बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, सीवियर बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलेंगे, बहुत सारे मतलब उसको बच्चे में प्रॉब्लम आएगी। अगर के कोई मदर नाइट्रोफोरेंटोइन ले रही है तो बच्चे के अंदर पीलिया दिखेगा। अगर कोई टेट्रासाइक्लिन ले रही है तो क्या होगा, डिसकलर्ड बोन एबनॉर्मेलिटीज, जो बोन की एबनॉर्मेलिटीज है वो क्या हो जाएगी, डिसकलर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, बहुत ही देखिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अरे यार लिखने में गलती हो गई, ये है ना, हाँ सही है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, सही है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जरा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आर द डिफेक्ट ऑफ ब्रेन स्पाइनल कोड, एक तो ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कोड के अंदर अगर कोई डिफेक्ट होता है बच्चे के अंदर, जैसे बच्चा कोई पैदा हो रहा है, बच्चा जैसे कोई पैदा होता है उसके ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर कुछ डिफेक्ट होता है, उसे कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और ये डिफेक्ट कब देखने को मिलता है, आपको बहुत ही जान करके सरप्राइज होगा, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ये देखने को नहीं मिलता यार, ये होता कब है, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मदर को जब पता ही नहीं होता कि सी इज प्रेग्नेंट दिस टाइम पर, जब उस किसी भी मतलब मदर को पता नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, उस टाइम पे जो डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्योंकि उसको पता ही नहीं है भाई उसको बेबी होने वाला है। अगर उसको पता होता तो वो सही ढंग से मदर केयर करती, जब उसको पता ही नहीं है कि भाई हाँ अपना जो है बेबी होने वाला, तो उस टाइम पर जो डिफेक्ट होता है वो होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। द मोस्ट कॉमन डिफेक्ट, अब इसके अंदर दो डिफेक्ट मोस्ट कॉमन होते हैं, फर्स्ट होता है इसके अंदर स्पाइनल बायोफिडा और सेकंड होता है एनसीफेली, ठीक है। स्पाइनल बायोफिडा क्या होता है कि द फीटल स्पाइनल कॉलम डजेंट क्लोज कंप्लीट, जो फीटल की स्पाइनल कॉलम है, स्पाइनल कॉलम समझते हो पीछे वाली रीड की स्पाइनल कॉलम है जो, वो क्या होगी, सही ढंग से क्लोज नहीं होगी। देयर इज यूजुअली नर्व डैमेज दैट कॉज लेग्स सम पैरालिसिस इन लेग, उसकी वजह से जब मान लो पीछे वाली जो स्पाइनल कॉलम है, स्पाइनल कॉर्ड की जो कॉलम है, वो सही ढंग से क्या नहीं हो रही है, क्लोज नहीं हो रही है, जो सही ढंग से जब क्लोज नहीं हो रही है उसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो नर्व है, उसके अंदर जो नर्व है उसमें क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और उस नर्व के अंदर डैमेज जब हो जाएगा तो उस नर्व के डैमेज की वजह से पैरालिसिस इन द लेग, लेग के अंदर क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन एनसीफेली, एनसीफेली क्या होता है, ऑफ द ब्रेन एंड स्कल डू नॉट डेवलप, एनसीफेलोपैथी में क्या होता है कि ब्रेन और अपना स्कल डेवलप नहीं होगा, ना तो बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा तो वो बच्चे को ना तो याददाश्त रहेगी, भूलेगा बार बार, मेंटल रिटार्डेशन होगा, नहीं स्कल उसका डेवलप रहेगा। बेबीज विल एनसीफेली आर यूजुअली आइदर स्टिल बोर्न, अब स्टिल बोर्न का मतलब मैंने क्या बताया, जो बेबीज होंगे वो एनसीफेली के बहुत या तो जन्मेंगे मृत जन्मेंगे और डाई आफ्टर बर्थ, या क्या होते हैं जन्मते ही क्या होते हैं मर जाते हैं। अनदर टाइप ऑफ डिफेक्ट कैरिंग मालफॉर्मिटीज कॉज द ब्रेन टिश्यू एंड एक्सटेंड इट टू द स्पाइनल कोड, ये आपको लाइन नहीं लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कोज के ऊपर, अब इसके कारण क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्यों हो रहा है भाई, कोज एग्जैक्ट कोज तो किसी को पता नहीं है, एग्जैक्ट कोज इज नॉट नोन। इसका सेकंड कोज होता है ओबेसिटी, हैव ए पुअरली कंट्रोल्ड मेडिकेशन, डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड एंड विटामिन बी, ठीक है। ओबेसिटी हो सकता है, कुछ मेडिकेशन हो सकती है, या अगर माता के अंदर फोलिक एसिड और विटामिन बी की कमी होगी तो हो सकता है। डायग्नोसिस के अंदर आप क्या करोगे, लैब टेस्ट करोगे और इमेजिंग टेस्ट करोगे, क्या क्या करोगे भाई, लैब टेस्ट करोगे और इमेजिंग टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के अंदर क्या लिखा, नो क्योर ट्रीटमेंट बट फॉर प्रिवेंट मोर डैमेज सम आर टू डोम, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो इसके ऊपर किया जा सकता है, क्योंकि ये तो ब्रेन अगर मान लो डिसफंक्शन हो गया बाद में फर्स्ट मंथ के अंदर, उसको कह रहा प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ होता है तब ये बीमारी होती है, तब माता को पता नहीं होता, जब सेकंड थर्ड मंथ चलता है तब पता चलता है, जब वोमिटिंग वगैरह होती है तब पता चलता है हाँ भाई आई मैं प्रेग्नेंट, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम तक तो वो पूरा ब्रेन का अपने हिसाब से बोले तो पूरा ख़राब हो ही चुका होता है, तो बच्चा क्या होता है या तो मृत जन्मता है या जन्म के बाद भी मर जाता है, तो इसका कोई ढंग से ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ ये ट्रीटमेंट जरूर है कि बच्चा जब जन्मे अगर वो थोड़ा बहुत भूलने की आदत हो तो हम कोई साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखा करके उसमें थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इनफर्टिलिटी के ऊपर, हम देखते हैं इनफर्टिलिटी क्या होती है, तो इनफर्टिलिटी ये आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, हमारे पास ये अवेलेबल नहीं थे इसके नोट्स, तो इनफर्टिलिटी आप यहाँ से देखिएगा, इन ह्यूमन इनफर्टिलिटी में बी डिस्क्राइब एज ए वुमेन हु इज़ अनेबल टू कंसीव एज वेल एज बींग अनेबल टू कैरी प्रेगनेंट फॉर फुल टर्म, एक इनफर्टिलिटी मतलब होता है कि एक वुमेन क्या होती है प्रेगनेंट नहीं हो पाती है अपनी पूरी लाइफ के अंदर। मेल इनफर्टिलिटी इज द मोस्ट कॉमनली ड्यू टू द डेफिशिएंसी इन द सीमन एंड सीमन क्वालिटीज, एक होता है मेन
क्या इनफर्टिलिटी, मतलब एक आदमी से क्या नहीं, मतलब आदमी का जो सीमन होता है उस सीमन में क्या होता है, या तो सीमन बनता नहीं है ठीक है, या अस्पर्मिया कहते हैं जैसे, या ओलिगोस्पर्मिया, या बनता है तो भी थोड़ी बहुत क्वालिटी बनता है, या अगर बनता भी है तो उसके अंदर मान लो अगर कोई पस वगैरह आ जाए कर जाए, या फिर उसकी क्वालिटी सही ढंग से नहीं हो, तो उसकी वजह से भी क्या नहीं हो सकती है, प्रेगनेंसी सही ढंग से कंसीव नहीं हो सकती है ठीक है। तो फीमेल चलिए वापस, हाँ देखिए ज़रा, तो फर्स्ट चलते हैं मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी क्या होता है, देखिए ए मैरिड कपल इज़ नॉट एबल टू कंसीव ए चाइल्ड ड्यू टू फीमेल इनफर्टिलिटी फैक्टर विच इज़ 50% इनफर्टिलिटी केस। या तो हो सकता है कि अगर मेल इनफर्टाइल है या फीमेल अनफर्टाइल है, फीमेल अनफर्टाइल होगी इसका मतलब क्या है कि एक फीमेल के पास में वो कैपेसिटी नहीं है, मान लो अगर उसका फेलोपियन ट्यूब खराब है, या अगर उसके मान लीजिए भाई अगर उसके यूट्रस के अंदर कुछ इन्फ्लामेशन वगैरह कुछ हो रखा है, या यूट्रस के अंदर उसमें मान लो कुछ डैमेज वगैरह, तो बच्चा वो कंसीव नहीं कर पाएगी। सेकंड होता है मेल इनफर्टिलिटी, ए मैरिड कपल इज नॉट एबल टू कंसीव ए चाइल्ड ड्यू टू द डिसफंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, या मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मान लो जैसे पेनिस के प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कुछ कैंसर वगैरह हो रखा है, या सही ढंग से सीमन नहीं बन रहे हैं, या सही ढंग से सेमिनल वेसिकल काम नहीं कर रही है, तो 50-50% दोनों के बन रहा है, 50% अगर मेल में गड़बड़, 50% फीमेल में गड़बड़। कंबाइंड इनफर्टिलिटी इज अ टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी विच डिसफंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंसेप्शन विच इज फाउंड इन 50% ऑफ मैरिड कपल। किसी किसी में क्या होता है, कंबाइंड होता है, जिसके अंदर क्या होता है मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। दे वैन दिस फंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ अफेक्ट कंसेप्शन विच इज फाउंड इन द 50% मैरिड कपल, ठीक है। तो या दोनों के हो सकती है, या एक के, या मेल के या फीमेल के, ठीक है। टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी, अब इनफर्टिलिटी के टाइप देखिए जरा। फर्स्ट है प्राइमरी इनफर्टिलिटी इज फाउंड इन द कपल हु हैव नेवर बीन एबल टू कंसीव अ चाइल्ड। पहली होती है प्राइमरी, प्राइमरी के अंदर ये होता है कि भाई एक ऐसा प्राइमरी इनफर्टिलिटी इज फाउंड इन द कपल हु हैव नेवर बीन एबल टू कंसीव अ चाइल्ड, ऐसे कपल जो जिंदगी में कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते वो होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। एक होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इज फाउंड इन द कपल्स हु हैव डेफिशिएंसी टू कंसीव अ चाइल्ड आफ्टर हैविंग ऑलरेडी कंसीव्ड अ चाइल्ड, ऐसी कोई माताएं जिनके एक बच्चा हो रखा है अब वो सेकंड बच्चे की आस लगा रहे हैं पर उनको सेकंड बच्चा अब ज़िंदगी में कभी भी नहीं होगा। जैसे मानो कि एक कोई ऐसी लड़की थी जो मान लो पहले तो उसका ठीक था सब कुछ, और लड़का भी उसमें भी क्या होता जो अपना सीमन वगैरह क्वालिटीज़ वगैरह सब ठीक थी, तो फर्स्ट में तो ऐसा होता कि वो ज़िंदगी में दोनों पर ही नहीं हो रहा, मतलब अगर उनके एक भी बच्चा नहीं हो रहा। कोई कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एक बच्चा तो हो जाता है पर जो वो सेकंड बच्चा चाहते हैं कि भाई हमें सेकंड बच्चा हो, तो वो कंसीव नहीं हो पाता कुछ ना कुछ कारण की वजह से, उसे कहते हैं सेकेंडरी, ठीक है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। नेक्स्ट होता है कोज, कोज क्या हो सकता है, देखिए मेन फिजिकल एंड इमोशनल फैक्टर, मेन का फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर मतलब देखिए जैसे बॉडी, बॉडी के बाद स्टेमिना, स्टेमिना के बाद में साइज, साइज के बाद में उसकी हेल्थ, हेल्थ के बाद में सीमन क्वालिटी, ठीक है ये सब चीज़ें। और देखो फिर होता है इमोशनल फैक्टर, फिर होता है मूड पर डिपेंड करता, ठीक है उसको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ठीक है रिस्क, जैसे स्मोकिंग वगैरह कुछ कर रहा तो थोड़ा चांस कम रहता है, इट मे बी ड्यू टू द प्रॉब्लम इन मेल एंड वुमेन बोथ, और ये दोनों के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए जल्दी से जल्दी देखते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी में भी अकर वैन फीमेल इनफर्टिलिटी कब हो सकती है, देखिए जरा ए फर्टाइल एग और एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव वंस इट अटैच टू द लाइनिंग ऑफ द वूम, ए फर्टाइल एग डू नॉट अटैच टू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, एग कैन नॉट मूव टू द ओवरीज इन द वूम, द ओवरीज हैव अ प्रॉब्लम। देखो या तो ओवरीज के अंदर एग प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या ओवरीज के अंदर एग प्रोडक्शन हो रहा है तो ओवरीज से फेलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं जा रहा है, या मान लो फेलोपियन ट्यूब के अंदर कुछ गड़बड़ी है, या मान लो अगर फर्टिलाइजेशन हो भी रहा है तो वो यूट्रस की लाइनिंग के ऊपर नहीं अटैच हो रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है भाई। तो सेकंड है अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, देखिए अब क्यों हो सकता है, मान लो अगर और भी क्या क्या रीजन है, जैसे ब्रेथ डिफेक्ट अपेक्ट रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कैंसर हो सकता है, क्लोटिंग डिसऑर्डर, डायबिटीज़ वगैरह, ये आपको कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है भाई ये कोज नहीं लिखना आपको, कोज अगर थोड़ा बहुत हो तो जैसे लिख दो ओबेसिटी हो गई, ओल्ड एज हो गया, स्मोकिंग हो गया, थायराइड डिजीज़ हो गई, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, हार्मोन इनबैलेंस हो गया, ठीक है डायबिटिक हो गई, क्लोटिंग डिसऑर्डर हो गया, बस इतना ही लिखना आपको, ज़्यादा नहीं लिखना। अगला है मेल इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी क्या होता है, मेल इनफर्टिलिटी में भी डिक्रीज नंबर ऑफ स्पर्म के नंबर बढ़ जाते हैं, डिफेक्ट इन स्पर्म, स्पर्म के अंदर कुछ डिफेक्ट आ जाता है, और ब्लॉकेज स्पर्म के अंदर, स्पर्म का जो वे है उस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर बनता है कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ जाता है। इसका कारण भी देखो हैवी अल्कोहल यूज है, ठीक है कोकीन का यूज है, हार्मोन बैलेंस है, ब्रेथ डिफेक्ट है कुछ जन्म से उसके अंदर, कुछ बच्चे में सॉरी आदमी के अंदर प्रॉब्लम है, ओबेसिटी उसका मोटापन है, ओल्डर एज है, स्मोकिंग ज़्यादा कर रहा है, बस इतना ही आपको लिखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट है टेस्ट क्या करता है, तो सीमन एनालिसिस। अब देखिए जरा अब बात को समझना, अब डायग्नोसिस के अंदर आपको खाली नाम नाम लिखना है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ नाम लिखना है सीमन एनालिसिस। अब अभी पैथोलॉजी में नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये पढ़ेंगे।
नेक्स्ट हार्मोन टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग, इमेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट फॉर वुमेन, वुमेन के लिए क्या करते हैं, ओव्यूलेशन टेस्टिंग, ये आपको लिख रहा हूँ, ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग, अदर हार्मोन टेस्टिंग, इमेजिंग टेस्टिंग, ठीक है। अगला ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के अंदर आपको कुछ नहीं लिखना क्योंकि हम इसमें ट्रीटमेंट पैथोलॉजी के सॉरी इसके अंदर ट्रीटमेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट आपको कुछ नहीं लिखना, बस जो बताया बाकी वाला ऊपर वाला लिखना। नेक्स्ट चलो वापस आ जाइए, अब आते हैं ये क्वेश्चन जो है ये तो 100% and 105% आएगा ही आएगा। या तो आपसे पूछे कि प्री नेटल डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज़ क्या होता है, तो पहले पूछेगा कि भाई जेनेटिक डिजीज़ का प्री नेटल डायग्नोसिस करना क्यों जरूरी है, तो आपको बता देना अभी क्यों करना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो हम बच्चे जन्म से पहले ही डायग्नोसिस करेंगे तो मैंने सुबह वाले वीडियो के अंदर बोला था वो सारी की सारी बातें ध्यान रखना और वो बातें लिख देना, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा हो वो वीडियो देख लेना। और आगे देखिए, अब हम कौन कौन से टेक्निक यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट करेंगे एमनोसेंटासिस, और इसी के साथ हमको बताने के लिए बहुत बहुत खुशी हो रही है हमें कि आपका जेनेटिक्स पोर्शन 90% ख़त्म हो गया, 10% जेनेटिक पोर्शन बचा है और 45% अपना पैथोलॉजी बचा है, तो वो रात को एक वीडियो ऐसा अपलोड होगा जिसके अंदर कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि जब हमने आपको मंजिल तक छोड़ने का वादा किया है तो हम आपको बीच मजेदार के अंदर बहता हुआ नहीं छोड़ सकते हैं, हम आपको नैया पार लगा के ही छोड़ेंगे, ठीक है भाई। जब हमने हाथ ही पकड़ लिया आपका तो ये तो सोच के चलो कि भाई अब तो हम आपको मंजिल तक पहुँचा देते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए ज़रा एमिनोसेंटासिस क्या होता है, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट डायग्नोसिस, सबसे बेस्ट डायग्नोसिस है, ठीक है। अगला है परफॉर्म बिटवीन 13 to 15 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, कब की जाती है एमिनोसेंटासिस, एमिनोसेंटासिस होता क्या, देखिए हम बताएंगे अभी आपको नेक्स्ट अगली लाइनों के अंदर ही, ये कब की जाती है 13 to 15 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर ये की जाती है, विद अल्ट्रासाउंड केयरफुली ऑफ द लोकेशन ऑफ द प्लेसेंटा एंड फिटस इज, देखिए ये लाइन आ गई देखो, विद अल्ट्रासाउंड केयरफुली, एक बात ध्यान रखना, आज की रात और कल की रात जितने भी वीडियो बताए ना 10 बार गोटो से 15 बार गोटो पढ़ लेना, क्योंकि अगर रातें न जागी तो किस्मत न जागी, ठीक है भाई। रातें तो आपको जागनी ही पड़ेगी, पहले नहीं जागी आपने, तो इसीलिए आज हम आपके साथ साथ में दौड़ रहे हैं ताकि आपका कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ लेवल पर तो आपका सहयोग कर भी सकें। देखिए चलो भरोसा रखिएगा, विद अल्ट्रासाउंड केयरफुली, देखिए विद अल्ट्रासाउंड केयरफुली द लोकेशन ऑफ द प्लेसेंटा, सबसे पहले आपको अल्ट्रासाउंड की सहायता से आपको देखना है प्लेसेंटा और फीटस को, देखने के बाद में एथिन होलो नीडल इज इंसर्टेड इन टू द वुमेन यूट्रस, फिर वुमेन के यूट्रस के अंदर आपको एक थिन नीडल डालनी है, पहले तो आपको क्या देखना है अल्ट्रासाउंड के अंदर देखना है प्लेसेंटा और फीटस को, उसके बाद में आपको क्या करना है एक होलो नीडल डालनी है, कहाँ पे, वुमेन्स के यूट्रस के अंदर थ्रू द एब्डोमिन, एब्डोमिन के जरिए यूट्रस के अंदर डालना है लोकल एनेस्थीसिया की सहायता से, लोकल पहले एनेस्थीसिया दे देना उसको और उसके बाद में आपको वो नीडल डाल देना, गाइडेड बाय द अल्ट्रासाउंड अवॉइडिंग द डैमेज ऑफ प्लेसेंटा, इससे किया जाएगा अल्ट्रासाउंड की सहायता से ताकि क्या हो प्लेसेंटा के अंदर कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। अराउंड 10 to 20 ml ऑफ एमिनोसेंटासिस फ्लूड इज एस्पायर, और उसके बाद में उस नीडल की सहायता से आपको 10 to 20 एमिनोसेंटासिस फ्लूड आपको क्या कर लेना ml निकाल लेना बच्चा। अब एमिनोसेंटासिस फ्लूड क्या होता है, जिस थैली के अंदर बच्चा पेक होता है ना, यह समझ लेना, जिस थैली के अंदर बच्चा पेक होता है उसी थैली के अंदर जो फ्लूड होता है येलो इस कलर का, वो होता है एमिनोसेंटासिस फ्लूड, वो सारा बता देगा बच्चे का कलर कैसा है क्या नहीं है, हमने सुबह वाले वीडियो में इसके बारे में बात किया था। द फ्लूड इज सब्जेक्टेड टू द सेंट्रीफ्यूकेशन टू सेपरेट द सेल, फिर उस फ्लूड को क्या किया जाता है सेंट्रीफ्यूकेशन के अंदर डाला जाता है ताकि क्या वो सेल को सेपरेट करते हैं, द सेल्स आर द कल्चर्ड फॉर द फर्दर कैरियोटाइपिंग स्टडीज, और फिर उन सेल को क्या करते हैं कल्चर करते हैं ताकि हम आगे की कैरियोटाइपिंग मतलब आगे की कोई भी हम स्टडी करें तो उसके अंदर काम आएगा। एंड फ्लूड इज सब्जेक्टेड टू वेरियस बायोकेमिकल टेस्ट फॉर कार्सिनोम एम्ब्रियोनिक एंटीजन एंड फिटल सेल इज फ्लोटिंग इन द फ्लूड कैन बी एनालाइज्ड टू डिटेक्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, कुछ नहीं है सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि हमने उस इंजेक्शन से फ्लूड निकाला, फ्लूड को 10 to 20 ml एमिनोसेंटासिस फ्लूड निकाला, उसके बाद उसको क्या किया सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए डाला, उसके बाद जो सेल सेपरेट हुई उन सेल सेपरेट को क्या किया हमने कल्चर किया, उन सेल सेपरेट को कल्चर करने के बाद में हमें पता चलेगा, फिर हम उसको देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि भाई क्रोमोसोम के अंदर एबनॉर्मलिटी है या नहीं है, ठीक है। बायोकेमिकल टेस्ट करते रहेंगे उन सेल के साथ मेरे तो पता चल जाएगा अभी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है या नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए जरा खत्म करते हैं इसको जल्दी, देर आर लो रिस्क ऑफ मिसकरेज, मिसकरेज का मतलब वापस आ गया देखो, देर आर लो रिस्क ऑफ मिसकरेज, मिसकरेज मतलब क्या होता है क्या अबॉर्शन, ठीक है, और इन्फेक्शन थ्रू द प्रोसीजर, इस प्रोसीजर के थ्रू क्या नहीं होगा भाई,
अल्ट्रासाउंड की सहायता से देख के चल रहे हैं तो हम क्या नहीं होगा इसमें कोई भी मिसकैरेज नहीं होने का, ऐसा कोई मिसकैरेज होने का कोई खतरा नहीं रहता है। रिजल्ट ऑफ टेस्ट आर रेडी इन 1 or 2, 3 weeks और 1 to 3 weeks के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। देखिए चला अगला है कोरोनिक, कोरोनिक लिखा हुआ है CHORIO कोरियोनिक, कोरियोनिक है CHO, हाँ ये देखिए CVS इज जनरली परफॉर्म्ड अबाउट कोरियोनिक विलस बायोस्पी। इसमें क्या होता है कि भाई इसको शॉर्ट फॉर्म इसको कहते हैं CVS इज जनरली परफॉर्म अबाउट द 8 to 11 weeks के प्रेगनेंसी के अंदर इसको किया जाता है। शॉर्ट नोट्स आप भी बनाइएगा साथ साथ में, उसमें लिख दीजिएगा 8 to 11 weeks प्रेगनेंसी के अंदर किया जाता है। CVS इज रिक्वायर्ड टेकिंग ए स्मॉल पीस ऑफ क्रोनिन कोरोइन विली एंटर आइदर ए नीडल इज इंसर्टेड थ्रू द एब्डोमिन और द स्लिम ट्यूब इंसर्टेड थ्रू द वजाइना। इसके अंदर क्या किया जाता है, देखो वही प्रोसीजर सेम, हमें क्या करना है एक स्मॉल पीस लेना है। किसका स्मॉल पीस लेना बच्चा, क्रोनियन विल्ली का, किसका लेना है कोरियन विल्ली का स्मॉल पीस लेना है। कैसे लेना है देखो, या तो ए निडल इज इंसर्ट थ्रू द एब्डोमिन, या तो हमें एक निडल यानी एक सुई डालनी है एक पाइप के थ्रू किसमें एब्डोमिन में, और या हम करना है ए स्लिम ट्यूब इज इंसर्ट थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के अंदर हमें क्या डालना है एक स्लिम ट्यूब डालना है टू टेक ए टिश्यू सैंपल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेक। जिस सेक के अंदर बच्चा बड़ा हो रहा है उस सेक के अंदर से जो फ्लूड लेने के लिए ऐसा हमें करना पड़ेगा, ठीक है। द टिश्यू इज एनालाइज्ड फॉर क्रोमोसोम डिसऑर्डर और वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर, और वो टिश्यू जो हम लेंगे वो टिश्यू सारा का सारा पोल खोल देगा कि अंदर कोई एबनॉर्मलिटी चल रही है या नहीं चल रही है। चैप्टर खत्म होने वाला भाई, नेक्स्ट देखिए इसका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा 1 to 2 weeks के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। नॉट परफॉर्म फॉर द ऑल प्रेगनेंसी वुमेन, सारी की सारी प्रेगनेंट वुमेन के अंदर ही आपको टेस्ट नहीं करना है। रिस्क ऑफ मिसकैरेज, आपका अबॉर्शन के चांसेस के अंदर रहते हैं। थर्ड अगला अल्फा फीटो प्रोटीन स्क्रीनिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 100% आएगा, ध्यान से दो बार पढ़ लेना। अल्फा फीटो प्रोटीन स्क्रीनिंग दिस ब्लड टेस्ट इज मोस्ट ऑफन बिटवीन द 6 to 16 to 18 weeks, ये भी क्या किया जाता है 16 to 18 weeks के अंदर किया जाता है, 1 month के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद में फीटोप्रोटीन इज अ सब्सटेंस, फीटोप्रोटीन एक सब्सटेंस होता है, वो कहाँ से लीवर निकलता है बेटा, बच्चे के लीवर से, बच्चे के लीवर से निकलता है, ठीक है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ AFP यानी अल्फा फीटोप्रोटीन पास इनटू द मदर्स ब्लड, मदर ब्लड के अंदर डाला जाता है AF प्रेगनेंसी बाय टेकिंग ए सैंपल ऑफ आइदर मदर्स ब्लड और अम्यूनिटी फ्लूड। अब मदर्स के फिर बाद में क्या किया जाता है, मदर्स के ब्लड और अम्यूनिटी फ्लूड से सैंपल लिया जाता है। दिस टेस्ट कैन नॉट डायग्नोज द ब्रीथ डिफेक्ट, ये टेस्ट क्या नहीं बता सकता, ब्रीथ डिफेक्ट नहीं बता सकता। इट कैन ओनली इंडिकेट एन इंक्रीज रिस्क, यह सिर्फ बता सकता है कि भाई इस फैक्टर के रिस्क है, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकती है, तो रिस्क को बताता है। नेक्स्ट है अम्बिलिकल वेन सैम्पलिंग, इसको कहते हैं कोर्डोसेंटासिस। दिस प्रोसीजर इज ए फाइन नीडल इज पास थ्रू द मदर्स एब्डोमिन, मदर के एब्डोमिन से एक पतली सी आपको नीडल डाली जाती है। द फिटल वेन इनटू द अम्बिलिकल कॉर्ड, फिर वहाँ से किस में डाला जाता है, फिटल की वेन से लेकर के अम्बिलिकल कॉर्ड में। दिस टेक्निक अलाउ द फिटल ब्लड टू टेस्ट इज, ये टेक्निक क्या करती है अलाउ करती है, इस मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा कम दिख रहा आपको। दिस टेक्निक अलाउड क्लियरिटी बढ़ा देना, ठीक है। दिस टेस्ट अलाउड फीटल ब्लड टू टेस्ट फैसिलिटेड इंट्रा यूटेराइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड एनेबल ड्यूरिंग द इंजेक्शन डायरेक्टली टू द बेबी इज नेसेसरी। ये आपको टेस्ट नहीं करना, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या किया जाता है, एक फीटल वेन इनटू द अम्बिलिकल कॉर्ड, एक आपको नीडल डाली जाती है, कहाँ से डाली जाती है देख लो, मदर्स एब्डोमिन, मदर के एब्डोमिन से लेकर के फीटल की वेन, फीटल की वेन से लेकर के अम्बिलिकल कोड तक डाली जाती है, ठीक है। दिस टेक्निक अलाउ फीटल ब्लड टू टेस्ट इस, और जो फीटल का ब्लड है बच्चे का ब्लड है उसको टेस्ट करना पड़ता है। इसके अंदर फैसिलिटेट द इंट्रो यूटेराइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और यूट्रस के अंदर जो ब्लड है इंट्रो यूटेराइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इनेबल ड्रग टू बी इंजेक्टेड डायरेक्टली टू द बेबी, और अगर बच्चे के अंदर हमें ड्रग भी डालनी हो तो भी हम क्या कर सकते हैं आसानी से इंट्रा यूटेराइन थ्रू, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन के थ्रू हम डाल सकते हैं, ठीक है। अगला है फिटोस्कोपी, फिटोस्कोपी क्या होता है देखिए, फॉर विजुलाइजेशन द फिटस इन यूट्रस, यूट्रस के अंदर जो बच्चा है उसको हमें देखने के लिए फिटोस्कोपी करते हैं। इट इज इंसर्टेड इनटू ए लोकल एनेस्थीसिया, पहले एक लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं, लोकल एनेस्थीसिया लगाने के बाद में उसको देखते हैं, और ये कब करते हैं 18 से लेकर के 22 weeks ऑफ गेस्टेशन के अंदर ये करते हैं। नासा है, आपको पूरा समझ में आया होगा, थोड़ा स्पीड फास्ट है क्योंकि स्पीड फास्ट रखनी पड़ेगी, कल नहीं परसों एग्जाम है आप सबके। और दूसरी चीज़
थोड़ा इसको वीडियो को देख लेना, क्वालिटी के अंदर मुझे पता है प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको थोड़ा बहुत सही हम भी करने की कोशिश करेंगे, आप भी थोड़ा मैनेज करना, क्वालिटी थोड़ी हाई कर देना, 240-360 कर देना, और कुछ आपको कुछ फ़र्क पड़ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, अगर आपको कुछ ज़्यादा नीड है तो आप कमेंट करके बहुत ही आवश्यक आप बताइएगा, आपके कमेंट से हमें पता चलेगा अगला वीडियो कितने जल्दी बनाना है, कितनी आपको अर्जेंट अर्ज है, क्या टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रखा है, वीडियो बनाएं या नए वीडियो, सब चीज़ आपके कमेंट से हमें पता चलती है, ठीक है। और हम आपकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, आप खुद भी हमारा चैनल देख चुके हैं, वो बड़ा नया चैनल है और सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए है, तो आप भी अपने अपने सारे के सारे ग्रुप के अंदर इसको शेयर कीजिएगा, ताकि हो ना हो हम आपकी भलाई कर रहे हैं, आप भी किसी की भलाई के अंदर छोटा सा योगदान अवश्य दें। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।